अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। जुई के इतने मैसेजेस और कॉल, कॉल और इतने मैसेजेस क्यों कर रही है? और घर के बाहर खड़े होकर मेरा वेट क्यों कर रही है? कहीं वो अभी तक यहीं तो नहीं है? मैं एक बार जाकर देख लेती हूँ। मैसेज तो बहुत देर पहले का है, शायद जो इंतजार करके चली गई होगी। पर उसने मैसेज क्यों किया था? कहीं वो किसी प्रॉब्लम में तो नहीं है ना? एक बार मैं कॉल करके उसे पूछ ही लेती हूँ। रूही! जी मम्मी जी। रूही, तुम्हारे लिए सादा खाना बनाया है, खा लेना। मम्मी जी, I'm sorry. मेरी वजह से आपका इतना काम बढ़ गया। कोई बात नहीं, तुम खुद पे ध्यान दो। पता नहीं मम्मी जी की नाराजगी कब दूर होगी। इस गुरुमा के चक्कर में मैंने सबसे ज्यादा अपनी मम्मी जी का दिल दुखाया है। बस एक बार वो गुरुमा मिल जाए, मैं उनसे अपने सारे सवालों का जवाब मांगूंगी। खैर, मैं अभी जूही को फोन कर लेती हूँ। जूही का फोन बंद क्यों आ रहा है? दादी को कॉल करती हूँ। हेलो दादी। हेलो रूही बेटा, सब ठीक है रूही? जूही को तुम्हारी फिक्र हो रही थी इसलिए थोड़ा परेशान हो रही थी, बाकी कुछ नहीं है, सब ठीक है। ठीक है दादी, आप जूही को कहिएगा मैं कल सुबह उससे आराम से बात करूंगी। हाँ बोल दूंगी मैं। अच्छा सुनो, जरा फोन रखो, मुझे बहुत जरूरी काम है। जी हाँ। चलिए दादी चलते। दादी आपने कहा कि हम लोग कहीं बाहर जाने वाले हैं, और फिर ये सब क्या है? अरे वाह मेरा लाड़े सा, राजकुमार लग रहा है तू। वो बेटा प्रोग्राम में थोड़ा चेंज हो गया है, अब वो हमारे घर आ रहे हैं। दादी वैसे आप जूही से बिना पूछे उसकी शादी की बात किससे कर रहे हैं? अगर उसे शादी की बात पता चल गई और वो घर से भाग गई तो? अब क्या बताऊं तुझे, वो लोग रूही को नहीं तुझे देखने आ रहे हैं। वैसे ये बहुत टेस्टी लग रहा है ना? बड़ा हो गया है, हरकतें बच्चों जैसी अभी भी। मैं अभी साफ करके आता हूँ। जल्दी जा, चेंज कर क्या। दादी ना अभी हद करते हो कसम से, वो लोग जूही को देखने आने वाले हैं। वो मैडम खुद तो घर पे है नहीं है, मुझे थोड़ी ना देखेंगे वो लोग। आता हूँ मैं साफ करके आराम। अरे ना देखेंगे वो लोग, जल्दी से जल्दी आना तू। पागल, शर्ट खराब कर दी है। भगवान आते ही होंगे वो लोग, अब मैं कम से कम वहाँ कुछ रख लूं। अग्नि तुम्हारी तबीयत कैसी है अब? ठीक हूँ। अपनी दीदी ने बताया कि तुम्हें अचानक से चक्कर आ गया था और कभी भी महसूस हुई थी, क्या हुआ अचानक से क्या? प्लीज हम थोड़ा दूर। क्यों, बीमार नहीं पड़ सकती? बीमार पड़ने का भी हक सिर्फ तुम्हें है क्या रूही? नहीं अग्नि, ऐसा नहीं है, मैं तो बस पूछ रही थी। कोई जवाब नहीं देना है तुमको, दिमाग खराब करके रखा है। अग्नि देखो, मैं जानती हूँ तुम रेस्टोरेंट वाली बात से नाराज हो,
लेकिन मैं सच में वो गलतफहमी दूर करना चाहती हूँ। अग्नि, मेरा यकीन करो, मैं तुम्हारा और नाहर जी का पीछा करते हुए वहां नहीं गई थी। मुझे लगा कि मुझे नाहर जी ने वहां बुलाया। खैर अग्नि, अगर मेरे आने से तुम्हें इतना ही बुरा लगा है तो मैं तुमसे हाथ जोड़कर दिल से माफी मांगती हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो। अग्नि, तुम मानो या ना मानो, मैंने तुम्हें हमेशा इस परिवार का हिस्सा ही माना है। तुम्हारा बचपन इस घर में बीता है और तुम्हारा इस घर पर पूरा हक है, और तुम नाहर जी की बचपन की दोस्त हो, इसलिए मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे और मेरे बीच कोई भी गलत फहमी हो, क्योंकि इससे जाने अनजाने नाहर जी को ही तकलीफ होगी। सॉरी रोही, मैंने ही ओवर रिएक्ट कर दिया था। तुम्हारे साथ इतना बड़ा हादसा हुआ, उसके बाद भी तुम मुझसे माफी मांग रही हो। नाहर सच कहता है, तुम्हारा मन बहुत सुंदर है। मतलब तुमने सच में मुझे माफ कर दिया? अब हमारे बीच सब ठीक है? Yes, we are friends now. Thank you, Abhi. अरे आप लोगों की बातचीत हो गई हो तो चले रोहित, आप दोनों को रेस्ट की जरूरत है। अग्नि, तुम भी आराम करो, चलो। अग्नि, अगर कुछ जरूरत हो तो बता देना, वक्त आने पर ना जरूर बताऊंगी। चलो। मलिष्का जी दिखाई नहीं दे रही है, वो कहाँ है? मुझे लगा कि जैसे स्वर्ग से कोई अप्सरा उतर कर आ गई मेरे दरवाजे पर। एक मिनट बस। हाँ, आप ये क्या कर रही हैं? मैं कोई भगवान थोड़ी हूँ जो आप मेरी आरती उतार रही हैं। हमारे हिंदुस्तान में मेहमान भगवान का ही रूप होते हैं। मलिष्का जी, आइए, अंदर आइए, आपका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आइए प्लीज, वेलकम, हमारे घर में आपका स्वागत है। प्लीज बैठो, बैठो, बैठो। बैठिए बेटा जी, बैठिए। अरे किस अब ये होममेड जूस है खास आपके लिए। काफी छोटा घर है आपका। नहीं नहीं, हमारा घर जरूर छोटा है, लेकिन यहाँ रहने वालों का दिल बहुत बड़ा है। ये लीजिए, मुंह मिठा कीजिए, मैंने खुद बनाया। एक्सक्यूज मी मैडम, ये स्वीट्स, ऑयली एंड स्पाइसी खाना कभी प्रेफर नहीं करती। उनका अपना फ्रूट बास्केट है, वो हमेशा कैरी करके चलती है। ओके ओके ओके। मैडम, हियर आर योर फ्रूट्स। बेटा जी, आपके पिताजी और माताजी क्या करते हैं? एक्चुअली इनके फादर का लग्जरी बैग्स का बहुत बड़ा बिजनेस है। ये हैंडबैग आप देख रही हैं? हाँ। ये पूरे 2.5 लाख रुपए का है। 2.5 लाख? पिंकू जी कहीं नजर नहीं आ रहे।
वैसे बेटा जी एक बात बताइएगा, आप तो विदेश में रहे इतने साल, विदेश में बहुत लड़के भी होंगे, वहाँ के लड़के भी बहुत अच्छे हैं, फिर आपने यहाँ हिंदुस्तान में शादी करने के बारे में क्यों सोचा? वो दरअसल बात कुछ ऐसी है कि मैडम को हिंदुस्तानी लोग ज्यादा पसंद है, इंडियंस। हाँ, ये बात है, हिंदुस्तानी लड़कों की बात ही कुछ और होती है, दे आर द बेस्ट। हाँ, लेकिन मैंने हिंदुस्तानी सासों माओं के लिए बहुत बुराई सुनी है। ऐसी बात नहीं है, अफवाह होती है ज्यादातर, तो मतलब अक्सर ऐसा नहीं होता, ऐसा कुछ तो नहीं है। आपका बेटा कहाँ है? अभी लाती हूँ। राजू बेटा। सॉरी पिंकू जी, मिलना तो था लेकिन अभी अपना एटीट्यूड बनाकर रखना भी जरूरी है। राजू बेटा। दादी बिना मैं बाहर जाके क्या ही करूंगा। सॉरी बट मुझे किसी के लिए इतना इंतजार करना पसंद नहीं। मैं बुला रही हूँ। मलिष्का जी सुनिए, मैं एक 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 मिनट, मैनेजर साहब। हे भगवान। बोलो। अब आ रहा है, क्या कर रहा था? कपड़े तक नहीं बदले, वही कपड़े पहन के चला आया, इतना टाइम कहाँ लगा दिया, चले गए वो लोग। मती मारी गई है दादी। ये लोग कौन आए थे? वो दादी तेरी शादी के रिश्ता ढूंढ रही है ना, तो वही लोग आए हुए। क्या? मेरा रिश्ता? वही दादी, एक तो मैं वैसे ही बहुत ज्यादा परेशान हूँ, ऊपर से ये सब बातें करके ना मेरा दिमाग और खराब मत कीजिए प्लीज। अरे तुम्हें परेशान कौन कर रहा है? अरे सुनो तो मेरी बात। तुम इसे क्या हो गया? जूही। सॉरी आंटी जी, मैं आपको ऐसे बिना फोन किए बिना इजाजत के आ गई, अब लेकिन जरूरी बात नहीं होती तो मैं यहाँ कभी भी नहीं आती। जूही, जूही, तुझे यहाँ पे आना भी नहीं चाहिए था, तो प्लीज जा यहाँ से। जूही सुन, मुझे तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है, तो एक बार चल मेरे साथ, चल। अब ये सब क्या है रूही, तो ठीक है? हाँ जूही, मैं ठीक हूँ। कहो ना अपनी बहन से कि हमने तुम्हें जला दिया। पर दादी प्लीज। अब मैं जानती हूँ, वो रेस्टोरेंट में जो आग लगी थी, रूही और जीजू फंस गए थे वहाँ, मैंने न्यूज में फोटो देखी थी। आप दोनों ठीक है ना? हाँ जूही, हम ठीक है। तो अभी जा, हम बाद में बात करेंगे। नहीं, मुझे तुझसे बहुत जरूरी बात करनी, एक मिनट आ जा प्लीज। जूही हद है, पहले फोन पे चुगलखोरी होती थी, अब खुला खुला हो रही है सामने। जूही जूही, ये सही समय नहीं है बात करने का। ये क्या खुसुर फुसुर हो रही है दोनों में, देख रहे हो ना कैसे बदतमीजी दिखा रही है तुम्हारी पत्नी की बहन। अरे कोई शर्म लिहाज है ही नहीं। पहले तुम्हारी बीवी ने सोनी पर इल्जाम लगाया और अब उसकी बहन आधम की है उसे और भड़काने के लिए। देख, हम आराम से बाद में बात करेंगे, ठीक है? तो मुझे नहीं पता यहाँ क्या चल रहा है, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि मैं बिल्कुल सही टाइम पर आई हूँ। तू एक बार मेरी बात तो सुन। जूही देख, जूही तू मेरी बात को समझ, ये सही समय नहीं है, हम बाद में बात करके। नहीं रूही, यही बिल्कुल सही समय, तू नहीं समझ रही है मेरी बात। ये बात तेरे परिवार से ही जुड़ी है, बहुत अहम बात है जो मैं तुझसे करने के लिए आई। मैं नहीं आती अगर तूने मेरा फोन उठाया होता, लेकिन मुझे लगता है मेरा यहाँ आना ही सही था। मैं तेरे सामने हाथ जोड़ती हूँ, तो तू प्लीज अब यहाँ से चले जा। अरे यार मैं कुछ कह रही हूँ तुझसे, तुझे सुनाई नहीं दे रहा है, एक बार सुन तो ले। जूही, ये तुम्हारा घर नहीं, तुम्हारी बहन का ससुराल है, आवाज नीचे रख के बात किया करो। एक तो तुम्हारी बहन ने पहले घर में तमाशा लगा रखा है, तुम उसमें तड़का मत डालो। एक मिनट आंटी जी, जूही 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 तू मेरी बात तो सुन। आपको हमेशा यही लगता है ना कि हर बार गलती सिर्फ मेरी बहन की होती है, हर बार वही गलत होती है? जूही चुप कर जा, ये मेरा परिवार है, तो इनसे ऐसे बात नहीं कर सकती है। परिवार? अरे कैसा परिवार है ये? अरे इसी परिवार वालों में से ना कोई तेरा दुश्मन, चूही तू ही क्या बकवास कर रही है, और तू ऐसे कैसे मेरे परिवार पर इल्जाम लगा सकती है? तू पागल हो गई है क्या?
वाह वाह, बहुत बढ़िया। पहले तो घर की बहू परिवार पर उंगली उठा रही थी, अब उसकी बहन भी आ गई इस परिवार पर तोहमत लगाने। जूही, मेरे परिवार के बारे में कुछ भी बोलने से पहले 10 बार नहीं, एटलीस्ट 100 बार सोच लेना। जीजू, 100 बार नहीं, 1000 बार सोच कर आई हूँ जीजू, क्योंकि मैं भी जानती हूँ कि ये मेरी बहन का भी घर है। पहले मुझे लगा कि मैं कुछ नहीं बोलूंगी, लेकिन बात यहाँ मेरी बहन के सम्मान की है, इसलिए मुझे बोलना पड़ा। मेरा यकीन कीजिए। जूही, तो तुम कहना क्या चाहती हो? मैं आप सबको ये कहना चाहती हूँ, रूही तुझे याद है तूने मुझे बताया था कि तुझे गुरु माँ के बारे में कुछ पता चलने वाला था, लेकिन पता नहीं चल पाया। हाँ, और कल गुरु माँ को देखा था इस घर के बाहर। कोई शख्स है इस घर से जो गुरुमा को पैसे दे रहा है? ये तो क्या बोल रही है? हाँ रोहित, मैंने कल देखा था, कोई तो था जो कंबल ओढ़ के इस घर से बाहर निकला था, उसने गुरुमा को पैसे दिए और वापस इस घर में लौट गया। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मैं शक्ल नहीं देख पाई, लेकिन कोई है रूही जो तुझे जानबूझ के परेशान कर रहे। पहले बहन की जासूसी नहीं खत्म हो रही, अब तुम भी शुरू हो गई रूही। पिछली बार तो तुमने मेरे कमरे की तलाशी ली, अब बता किस कमरे में ताका जाके करोगी या फिर मेरे ही कमरे में आओगी? मम्मी जी, मैं जूही को समझाती हूँ। जूही, तुझे जो कहना था तुमने कह दिया ना, अब तू जा। रूही तो पागल हो गई है, ये जानते हुए कि इस घर में कोई तुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है, पैसे कैसे चली जाओ? लेकिन जूही, तुम इतना बड़ा इल्जाम किस बुनियाद पर लगा रही? क्या कोई सबूत है तुम्हारे पास, या फिर दोनों बहनों ने हमारे छाती पर मुंह डालने का सोच रखा है? मेरे पास उस इंसान को पहचानने का सबूत है जिसने गुरु माँ को पैसे दिए। जो ही मुझे नहीं चाहिए कोई सबूत, जिस बात से मेरे घर में कलेश हो मुझे वो बात नहीं जाननी है, तो प्लीज जाए यहाँ से। सॉरी रूही, मैं तेरे जैसी महान नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि सच का सामने आना बहुत जरूरी है। और सुन, मम्मी मेरी जगह होती ना तो वो भी यही करती, क्योंकि उन्होंने हमेशा हमें सच का साथ देना सिखाया है ना रूही। तो ठीक है जूही, अगर तुम इतनी कॉन्फिडेंट हो तो साबित करो। नहा, थैंक यू जीजू, मुझ पर भरोसा करने के लिए। एक मिनट जूही, ये हमारा घर है, हमारा परिवार है, तुम हमारे परिवार को कटघरे में खड़ा कर रही हो, अगर ये बात गलत साबित हुई तो अगर ऐसा हुआ तो जो आप कहेंगी मैं वो करने के लिए तैयार हूं दादी। लेकिन आज मैं सच को सामने ला कर ही रहूंगी। जूही, जूही प्लीज जाने देना। जूही को जो करना है वो कर सकती है, जिस किसी की तलाशी लेनी है ले सकती है, लेकिन अगर ये गलत साबित हुई तो इसकी बहुत भारी भरपाई भरनी होगी। जूही, मुझे मंजूर है, लेकिन दादी नहार,
जब तुम जूही को उसकी मन मर्जी करने की इजाजत दे रहे हो तो तुम माजी को भी नहीं टोकोगे। वो जो चाहेंगी वही होगा। अब देखिए मन सुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।